गोंडा जिले के नवाबगंज ब्लॉक का महेशपुर वनकटिया गांव में विकास की बयार तो बही, लेकिन यह अब भी काफ़ी नहीं है। योगी सरकार के आने के बाद कुछ सुधार तो हुए, लेकिन अब भी ग्रामीण कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल यहां पर नहीं है साहब, जमीन तो है लेकिन स्कूल नहीं बन नहीं पाई से। क्या आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? और सरकार से यही मांग करी थे कि यहाँ एक स्कूल बन जाए ताकि बच्चे कुछ शिक्षित हो जाए। अशिक्षित हैं लेकिन दूर जाते हैं पढ़े, ना होने के कारण दूर जाए पड़ते हैं। इस तरह से ग्राम सभा से कोई आपने लिखा पढ़ी की प्रशासन को? नहीं, प्रशासन से प्रशासन का लिखा पढ़ी किन गए लेकिन अब ये मंजूरी नहीं आया है। गांव में अब भी कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, महिलाओं को अभी भी चूल्हे में खाना पकाना पड़ता है। कभी क्या था भैया है, गैस सिलेंडर नहीं मिला, गाँव में स्कूल चाहे कोई अस्पताल चाहे बच्चियों के लिए, कोई रात बिरात कोई तकलीफ पड़ जाता है तो दूर जाना पड़ता है। तो बच्चे भी पढ़ नहीं रहे गाँव? पढ़ रहे हैं सर, दूर जाते हैं, मतलब डरते हैं बच्चे जाते हैं नहीं जंगल में। यही नहीं, गांव में ना ही कोई स्कूल है और ना ही अस्पताल। जिस उज्ज्वला योजना का बीजेपी डंका बजाते दिखती है, वह योजना भी इस गाँव में नहीं आई है। आज भी यहाँ की महिलाएं चूल्हे पर धुआं खाने को मजबूर हैं। जी, उज्ज्वला योजना जो है ये शिक्षक सूची 2011 जो थी उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर को घर घर तक पहुंचाना था। ये चूंकि ग्राम राजस्व ग्राम अभी तक था नहीं, सरकारी नक्शे में एक तरीके से उनके आंकड़ों में आया नहीं था, इसलिए लोगों को अभी तक लाभ मिल नहीं पाया था। हाल फिलहाल में मंत्री जी से यहाँ के लिए जो है रिक्वेस्ट कर दी गई है, जिले पर भी रिक्वेस्ट डाल दी गई है, जल्द से जल्द इन लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ जो है दिलाया जाएगा।